रामपुर में कुछ दिन पहले हुए सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। आपको बता दें कि 9 बदमाशों को 2,45,000 रुपए की नकदी सहित काबू किया गया है। आरोपियों से पुलिस ने भारी तादाद में तमंचे, कारतूस व एक सफारी गाड़ी बरामद की है। घटना का खुलासा सीओ सवार ने प्रेस वार्ता करते हुए किया है। पकड़े गए सभी बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी पुलिस और थाना अजीम नगर पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। हाँ, 4:05 की रात्रि में सलामत जान, सलोक नवाब जान या खोद के रहने वाली, उसके यहाँ बदमाशों ने एक घटना को अंजाम दिया था और उसके संबंध में हमारे यहाँ थाना अजीम नगर के थाना प्रभारी और एसओजी सर्वेलेंस टीम के द्वारा मिलकर इस में बदमाशों का जानकारी मिली मुखबिरी की सूचना पर, और रात्रि में ये लोग गाड़ी का पीछा कर रहे थे, तभी बदमाशों ने अचानक इन पर जान से मारनी मिर्च से फायर किया। पुलिस ने ललकार के घेर घूट के बदमाशों को पकड़ा, जिसमें 9 लोग पकड़े गए हैं और उनके पास जो है 6 तमंचे और एक बंदूक, और जो बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के समय में पैसा और जेवर गया था उसमें से नगद 2,45,000 रुपये बरामद हुए। इसमें से कुछ जेवर इन्होंने बेच दिया और कुछ जेवर अभी 2 बदमाशों के पास है, जिनके लिए हमारी कप्तान साहब के निर्देशन में टीम लगी हुई है। शेष जो इनका गोल्ड है या जो भी जेवर है, उसकी रिकवरी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो बदमाशों के खिलाफ मुकदमा लिखे और वैधानिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो बदमाश हैं, इनमें 3 बदमाश ऐसे हैं जिनके खिलाफ काफी मुकदमे हैं। एक बदमाश के खिलाफ प्रेस नोट हमने दिया, उसमें लगभग 60 मुकदमे दिल्ली और विभिन्न जन थानों में हैं। एक बदमाश हमारे ही गंज का है, उस पर भी 1 दर्जन मुकदमे हैं। एक बिलारी का एचएस है, उस पर भी 1 दर्जनों से ज्यादा मुकदमे हैं, और भी कई मुकदमे। और इनका तरीका है प्राप्त करने का, पहले ये उस आदमी की रेखी करते हैं जहां इन्हें घटना को अंजाम देना है। इसमें से एक आदमी के द्वारा रेखी की गई है और फिर घटना को अंजाम दिया। सर, इसमें कोई दिल्ली का उपद्रव करने वाला ये बंदा पकड़ा? एक फैसल नाम के आरोपी का नाम आया है लाइट में कि जो दिल्ली में दंगे हैं उनमें वो शामिल रहा है, जिसके संबंध में दिल्ली पुलिस से संपर्क करके उसको तस्दीक किया जा रहा है। उनको वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हम इसको जल्द ही इसका निर्णय लेंगे। बाकी जो बदमाश बचे हैं उनका हम प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का, फिर बदमाश पकड़ कर उसमें रिकवरी की जाए। पुलिस अधीक्षक रामपुर महोदय के द्वारा इस काम को शामिल टीमों के लिए 20,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है और उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.